जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सोमवार दिनांक 11 फरवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान मध्य प्रदेश के जैतपुर जिला सिंगरौली में BS4 अंतर्गत मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मान्यवर एडवोकेट नंदकिशोर पटेल और बामसेप के मान्यवर हरबंस सिंह पटेल भी प्रमुखता से मौजूद थे। इनके साथ ही प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर मान्यवर DS पाटिल इनकी मौजूदगी रही। आइए देखते हैं मार्गदर्शन शिविर के दौरान मान्यवर DS पाटिल इन्होंने क्या कहा। मध्य प्रदेश के जैतपुर जिला सिंगरौली में BS4 अंतर्गत मार्गदर्शन शिविर में मान्यवर DS पाटिल इन्होंने बताया कि ब्राह्मणवादियों ने भारतीय संविधान के प्रति नकारात्मक भावना का निर्माण करने के लिए आरक्षण शब्द का बार बार लगातार प्रचार किया। ब्राह्मणवादी कभी प्रतिनिधित्व इस शब्द का प्रचार भूलकर भी नहीं करते। आरक्षण शब्द का प्रचार कर उन्होंने समाज में मौलिक अधिकारों के प्रति नकारात्मक भावना का निर्माण किया, जिससे संविधान की समीक्षा कर मौलिक अधिकारों को समाप्त करने को अंजाम दिया जा सके। और जब आरक्षण के प्रचार के प्रभाव में आकर जब शिक्षित मूल निवासी अपनी नौकरी में स्वकेंद्रित हो गया, तब भारत के संविधान पर हमला करना शुरू किया। आगे चलकर जब मूल निवासी समाज के राजनीतिक दलों के नेता भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने संविधान बदलने की घोषणा कर संविधान की प्रतिया जलाई। आज हमारे विद्यार्थी, युवा और शिक्षित वर्ग को भारतीय संविधान से प्राप्त अपने मौलिक अधिकार के संबंध में उचित संदर्भ के साथ व्याख्या भी करना नहीं आती। वे अपने मौलिक अधिकारों को पैसा कमाने का साधन समझकर गुलामों की तरह ही जीते रहे, जिससे ब्राह्मणवादियों का काम आसान हो गया। तो संविधान अच्छा साबित हो सकता है, और किसी भी देश का संविधान अगर लाख अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर बुरे हैं, तो संविधान बुरा साबित हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारी है, दुश्मन तो उसका काम करेगा, उससे यही अपेक्षा की जाती है, दुश्मन है। लेकिन हमारे तरफ जो हम लोगों ने काम करना चाहिए था वो हमने काम नहीं किया, और एक विद्यार्थियों में, कर्मचारियों में एक निगेटिविटी सतत लगातार फैलाते गए, बनाते गए, एक साइको बनाते गए। और कुछ शब्दों को उन्होंने कॉइन किया, कुछ शब्दों को उन्होंने चुना, जिन शब्दों के माध्यम से हमारे अंदर की कर्तव्य निभाने की भावना को उन्होंने की। तो तब किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लोगों को जब बाम से देशभर में इसकी चर्चा कर रही थी, तो भाई ये जो विषय डिस्कशन में ला रहा है बाम से के लोग, इनका जुड़ना चाहिए, इनके पास सुनना चाहिए, तब इनको होश नहीं है। और जब उन्होंने लागू कर दिया तो हजारों की तादाद में दिल्ली की वहां पर सड़क पर उतर गई। तो ये जो केवल हासिल करने की हमारी जो ये भूख बन गई है, हमको कोई कर्तव्य निभाना नहीं है, ये साइको उन्होंने खड़ा कर दिया। और उसके लिए उन्होंने एक शब्द का बार बार जानबूझकर प्रयोग किया, वो है आरक्षण शब्द का। ये आरक्षण शब्द जो है, ये हमारे लिए बड़ा घातक शब्द है, क्योंकि आरक्षण आप खुद फील कर रहे होंगे कि आरक्षण शब्द जैसे ही आप सुनते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है। उसने नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कर रहा है और हम भी कर रहे हैं, तो हमने समझ जाना चाहिए ये शब्द किसके लिए तैयार किया है। तो वो बार बार आप देखेंगे भाजपा संघ और कांग्रेस के लोग या कम्युनिस्ट, ये कभी भी इनके शब्दावली में रिप्रेजेंटेशन का कभी भी उल्लेख नहीं आएगा, जिक्र नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रतिनिधित्व की, तो आरक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी भी वो रिप्रेजेंटेशन शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप अभी इसके आगे देख लीजिए, कभी नहीं करते, भूल कर भी नहीं करते। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? उनको पता है उस शब्द का मतलब क्या है, उसका क्या असर होता है मानसिकता के ऊपर। रिप्रेजेंटेशन ये हमको एहसास दिलाता है कुछ करने का, कुछ हासिल करना है, आपको जाना है। रिप्रेजेंटेशन जो शब्द है
वो आपको ये ऐसी भावना निर्माण करता है आपके अंदर कि आपको जाना है वहां, आपके जाए बगैर वो हो नहीं सकता। ये एहसास आपके अंदर निर्माण करता है। और आरक्षण, आरक्षण शब्द आपको ये फीलिंग लाता है कि आपको लेना है, हासिल करना है, कोई कर्तव्य नहीं है आपका। मर गया है कि हमको जाकर के वो करना है, हमारा कर्तव्य है वो वहां पर जाकर वो चल चीजें करना। इसलिए आप पढ़ो, हमारी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे सारे के सारे लोगों की, जब संकट आता है तब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये उसका द्योतक है। संकट के पॉइंट अभी 13 पॉइंट रस्ते में लागू हुआ, उसके बाद में व्याख्या कर रहे हैं कि 13 पॉइंट रस्ते क्या है। जब लागू हो गया इससे क्या लॉस होने वाला है ये तब बता रहे, जब लागू होने के बाद। ये पहले बताना चाहिए था, और जब हम बता रहे थे तब कोई उसके तरफ देख भी नहीं रहा। तो ये क्या है? तो ये आरक्षण शब्द का प्रयोग बार 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 दिमागों में फिट कर देने की वजह से हमारे अंदर केवल प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। अगर इसके जगह हम प्रतिनिधित्व कहते, रिप्रेजेंटेशन कहते, तो अलग भाव निर्माण होता हमारे अंदर, बराबर है। रिप्रेजेंटेशन आपको ये ऐसा दिलाता है कि आपके बगैर वो चल नहीं सकता। ये एक प्रॉब्लम, संघ काम कर रहे हैं देश भर में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, जैसे अजाक्स वगैरह जैसे है, या उधर कास्ट ट्राइब नाम से हमारे इधर चलता है। तो ये संगठन कुछ नहीं कर रहे। जब समस्या आती है तब आंदोलन में उतरते हैं, फिर संविधान बचाओ। तो संविधान बचाने से कैसे बचेगा? अभी तो मेरे मोबाइल में भी संविधान है, हमारे घर घर में संविधान है। तो हमने ये कार्यक्रम बनाया कि जब तक जन, और इसलिए हमने ये बनाया कि कुछ खास चीजें हैं पार्ट 3 को लेकर के, उन्होंने जो एग्रेसिव भूमिका काम चलाया, और एक ऐसी कि आप देखेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाइए, आप कॉलेजेस में जाइए, हमारे विद्यार्थी के ऊपर अगर किसी दूसरे हमारे दुश्मन विद्यार्थी संगठन ने अटैक किया हमारे किसी स्टूडेंट के ऊपर, तो उसको डिफाइन नहीं करना आता कि वो उसका कैसा मौलिक अधिकार है। हो रहा है कि नहीं? ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो हमने मान्य कर लिया उसका आरोप, क्या हम रिजर्वेशन से गए? शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं बताया, क्योंकि कर्मचारी बैठे इसलिए बात कर रहा हूं, कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कैसा है। कैसे बोलोगे आप? कैसे आपने कैंपस के अंदर आपको किसी ने बोल दिया? क्योंकि संगठन काम करते हैं वहां पर, एनएसयूआई काम करता है, बीयूपी काम करता है, कई प्रकार के संगठन काम करते हैं, और चुनाव भी होते हैं। और आप देखेंगे रोहित मोहला की जैसे कई बच्चे हमारे डिप्रेशन में आकर के खत्म हो रहे हैं। तो को का क्या स्टैंड है हमारा उसके ऊपर? क्या कैसे बता? कोई नहीं बता रहा है हमारे बच्चों को। मान्यवर पाटिल इन्होंने आगे कहा कि अगर हमें अपने मूलनिवासी समाज को बचाना है तो हमें संविधान को बचाना होगा, और यदि संविधान को बचाना है तो जन जन में जाकर संविधान के क्रांतिकारी महत्व को समझाना होगा, जिससे जनता ही संविधान बचाने आगे आएगी।